की खबर है इस वक्त की। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कमिश्नरेट में सरेंडर किया है। झोपड़ी जलाने के मामले में फरार चल रहे थे। आज होनी थी इरफान सोलंकी के घर की कुर्की। कुर्की से पहले इरफान सोलंकी का सरेंडर। इरफान सोलंकी के साथ भाई रिजवान ने भी सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दोनों लंबे समय से फरार थे और अब फाइनली दोनों ने सरेंडर कर दिया है। आज कुर्की की कार्रवाई भी की जानी थी और इसी बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इरफान सोलंकी की अपने भाई के साथ सरेंडर कर दिया है। परिवार से मिले तो भावुक भी नजर आए। ये कानपुर की तस्वीरें हैं। एक महिला ने उन पर झोपड़ी जलाने का आरोप लगाया था और तभी से पुलिस तलाश कर रही थी और अब बड़ी खबर इस वक्त ये सरेंडर कर दिया है इरफान सोलंकी ने। श्याम तिवारी इस वक्त कानपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, अभी क्या अपडेट है खबर को लेकर? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही है। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनको बुलाया जाएगा और यहीं पर डॉक्टरों का पैनल बुला करके उनका जो मेडिकल है वो भी यहां पर कराया जाएगा। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं पुलिस लाइन में किस इसी तरीके का फोर्स आपको बता दें। दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। अंदर और बाहर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा जो प्रकरण है वो एक महिला की झोपड़ी जलाने का मामला है, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और इरफान सोलंकी उसके बाद से फरार हो गए थे। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस के बढ़ते हुए शिकंजे का नतीजा ये है कि आज उन्होंने तमाम सपा कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर का जो आवास है वहां पहुंच करके अपनी गिरफ्तार अपना सरेंडर किया है और अपनी गिरफ्तारी दी है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी क्राइम मौजूद हैं। आज न्यायालय से नॉन मेडिकल वार्डन भी थी और कई दिनों से पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी के कारण आज उन्होंने कार्यालय में आकर किया है और अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में जानकारी दी जा रही है। जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके उपरांत इनका मेडिकल कराया जाएगा और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पीछे मेडिकल की कार्रवाई पुलिस का अस्पताल और उसके उपरांत न्यायालय ले जाकर विधायक इरफान सोलंकी को यहीं पर रखा जाए। आपको बता दें कि रिजर्व पुलिस लाइन में ही रखा गया है। उनके भाई के साथ और उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके बाद उनका मेडिकल पुलिस लाइन में बड़ा अस्पताल है। पुलिसकर्मियों के लिए अस्पताल बनाया गया है। वहां पर ही उनका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है शाम, अभी वापस आपके पास लौटेंगे। कुछ और तस्वीरें कानपुर से दिखाएंगे दर्शकों को। ये तस्वीरें अभी इरफान सोलंकी की आप देख रहे हैं जब वो सरेंडर करने अपने भाई के साथ यहां पहुंचे। और इसी बीच एक और अपडेट आपको दे दे इस मामले से जुड़ा हुआ। पुलिस लाइन के अंदर और बाहर तैनात की गई है फोर्स। तस्वीरें आपने देखी, पुलिस लाइन के दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। छावनी में तब्दील हुआ है पुलिस लाइन। इरफान सोलंकी और रिजवान को पुलिस लाइन में रखा गया है। बड़ी खबर कानपुर से हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। सरेंडर कर दिया है इरफान सोलंकी और उनके भाई ने। इस वक्त अपडेट ये है कि पुलिस लाइन के अंदर और बाहर फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस लाइन के दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। इरफान सोलंकी विधायक जी आज वो पुलिस के सामने आ गए हैं। अपना पक्ष रखेंगे। जो साजिश हुई है उस साजिश को भी खोलने का हम लोग करेंगे। जो गए फरार क्या लोग हैं? कौन फरार? फरार तो योगी जी भी थे। उनसे पता करो कहां फरार। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने का कार्य कर रहे हैं। पूरा परिवार यहां पहुंचा जब सरेंडर करने के लिए पहुंचे इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ। आज कुर्की की कार्रवाई होनी थी और उसी से पहले इरफान सोलंकी सरेंडर करने के लिए पहुंच गए। हालांकि अब मेडिकल उनका कराया जाएगा और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त कानपुर की दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन में अभी रखा गया है इरफान सोलंकी और रिजवान को। हालांकि यहां छावरी में तब्दील कर दिया गया है ये पुलिस लाइन। दोनों गेट्स को बंद कर दिया गया है। फोर्स को तैनात किया गया है पुलिस लाइन के अंदर और बाहर।
कई दिनों से पुलिस को तलाश थी और अब सिलेंडर करने खुद पहुंच गए इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ। आप रुक जाइए, बाकी लोग रुकेंगे। कानपुर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये पुलिस लाइन के बाहर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वापस से अब शाम का रुख करते हैं, क्योंकि शाम लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। शाम का वापस से रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। ये जो पहली तस्वीर है, जब सरेंडर करने के लिए पहुंचे इरफान सोलंकी, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुलिस कमिश्नरेट में। और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस लाइन के बाहर जहां फोर्स को तैनात किया गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।